ग्राहम स्टेन्स एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जिसे उसके दो मासूम बच्चों के साथ जिंदा जलाकर मार डाला। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, हमारी आप सबसे विनती है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बात है 22 जनवरी 1999 की, जब ग्राहम स्टेन अपने दो बच्चों फिलिप और तिमोथी के साथ, जिनकी उम्र महज 6 और 10 वर्ष थी, अपनी जीप में एक बेस कैंप की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने थकान के कारण विश्राम करने का सोचा और अपनी गाड़ी को एक गांव के पास रोककर उसी में सो गए। जब ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चे गाड़ी में सो रहे थे, तभी अचानक 50 से 60 लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। ये लोग पहले से ही ग्राहम स्टेन को मारने की फिराक में थे। दोस्तों, इन्होंने बड़ी बेरहमी से ग्राहम स्टेन और मासूम बच्चों पर त्रिशूल, भाले और लाठियों से हमला कर डाला। यही नहीं, हमला करने के तुरंत बाद इन्होंने ग्राहम स्टेन और उनके मासूम बच्चों को जीप में आग लगाकर जिंदा जला डाला। दोस्तों, शर्म की बात तो ये है कि तब की विश्व हिंदू परिषद ने इस कातिलों के समूह की अगुवाई करने वाले दारा सिंह की मां को 25,000 रुपए के इनाम के साथ सम्मानित किया और कहा कि आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। पर देश और विदेश में इस मामले की कठोर निंदा की गई। अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक दबाव के बाद दारा सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। बाद में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। दोस्तों, ग्राहम स्टेन्स का जन्म 1941 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हुआ था। महज 22 साल की उम्र में वह गरीबों और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए भारत आ गए। भारत आने से पहले ग्राहम स्टेन्स की मां ने उन्हें ये कहकर रोका था कि जिस देश का कोई भविष्य ही नहीं है, तुम वहां जाकर क्या करोगे। दोस्तों, आज से 50-60 वर्ष पहले भारत बहुत ही गरीबी और मंदहाली के दौर से गुजर रहा था। भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में कुष्ठ रोग एक महामारी का रूप ले चुका था और दिन ब दिन फैलता जा रहा था। उस समय में कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी कि जे जिसको भी हो जाता था, उसके घर वाले उन्हें घर से निकाल देते थे। इस काले दौर में ग्राहम स्टेन ऐसे लोगों का सहारा बने थे। ग्राहम स्टेन ने ना केवल कुष्ठ रोगियों का उपचार किया, बल्कि उनकी सेवा में अपनी सारी जिंदगी लगा डाली। ग्राहम स्टेन की मौत के बाद बहुत सारे कुष्ठ रोगी लावारिस हो चुके थे और उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। तभी उनकी पत्नी ग्लेडियस स्टेन ने इनकी जिम्मेदारी के अलावा जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता में जुट पड़ी। उनकी इस सेवा भावना को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। दोस्तों, इतनी दर्दनाक मौत के बाद भी ग्राहम स्टेन की पत्नी ने कहा, मैं आभारी हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें यीशु के निमित्त दुख उठाने को दिया। मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ग्राहम स्टेन से प्रभावित होकर इनकी लाइफ पर दो फिल्में भी बन चुकी हैं। कृपया इन दोनों मूवीज को जरूर देखें। अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।